हाय गाइस, सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गल्फ लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये देखिए मेरे सामने है बुफिया, मतलब यहाँ नाश्ता जो चाय वगैरह नाश्ता मिलता है इसे कहते हैं अरबी में बुफिया। बुफिया पे मैं आया हुआ हूँ और सुबह के 7 बज रहे हैं। और ये देखिए ये भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ और मुझे करना है नाश्ता। तो नाश्ता करना है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूँ। जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि क्या 6 बजे के बाद कौन होटल खोलता है, तो मैं ये होटल वाले से बात करता हूँ। भाई साहब, आप कितने बजे होटल खोल देते हैं? फजर के बाद। हाँ, फजर के बाद। फजर के बाद खोल देते हैं। फजर की नमाज़ कितने बजे ख़त्म हो जाती है? 4 बजे। तो गाइस देखिए, एक भाई ने कमेंट किया था कि 6 बजे के बाद कौन होटल खोलता है। ये तो मैं इधर दिखाऊँ, 4 बजे ये खोल देते हैं फजर के बाद, लेकिन बहुत सारे होटल हैं जो 24 घंटा सर्विस देते हैं। तो 24 घंटा सर्विस देने के लिए ये भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो जहाज़ पे काम करते हैं। भाई साहब, आप कितने दिन से जहाज़ पे काम कर रहे हैं? 3 साल से। ये देखिए, ये एजाज भाई हैं और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है और ये वीडियो भी बनाते हैं। तो आप लोग इनके चैनल पे जा सकते हैं, ये विजिट कर सकते हैं और इनके चैनल पे देख सकते हैं। ये भी जाहिज से रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं। भाई साहब, आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है साहिल ब्लॉग। साहिल ब्लॉग भाई साहब के चैनल का नाम है और ये भाई भी आज़ाद बीजेपी ही काम करते हैं। तो भाई, आप आज़ाद बीजेपी ही काम करते हैं ना? तो आपसे एक बात पूछनी है कि जिसे हमारी वीडियो में एक भाई का कमेंट आया होगा। देखिए गाइस, ये हैं एजाज भाई, जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया। और ये भी आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका जो है घर आजमगढ़ है। और हमने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है कि हमारा भी आजमगढ़ ही घर है, लेकिन आजमगढ़ वाले जहाँ रहते हैं वो आज़ाद रहते हैं। तो ये भी भाई आज़ाद ही हैं। तो अब भाई साहब, ये बताइए कि यहाँ होटल 24 घंटा खुला रहता है या नहीं रहता है, ये आप बताइए। जी, सऊदी में 24 घंटा होटल खुला रहता है, कोई भी होटल बताइए। कुछ होटल ऐसे हैं जो 20% होटल ऐसे हैं जो 24 घंटा ऑनलाइन रहते हैं। तो 24 घंटा जहाज पे काम 24 घंटा आता है या नहीं आता? आता है जहाज पे काम 24 घंटा, आप करना चाहो करो। नहीं, मुझे एक भाई के कमेंट आया था और भाई ने अपने जो है जबान का गलत इस्तेमाल भी किया था। वो कोई बात नहीं है, हम वीडियो बनाते हैं, ऐसे उल्टे सीधे कमेंट आते रहेंगे। कुछ लोग पसंद करते हैं, अच्छी कमेंट करते हैं, और कुछ लोग जो है भाई नहीं पसंद आती है तो गलत कमेंट भी कर देते हैं। हर शहर में 2-4 लोग ऐसे बसते हैं। हाँ, सही है, जिसको हम ना पसंद आए ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को हम पसंद आए। वही वही सही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम ना पसंद आए, हम किसी को ना पसंद आए, कोई हमें ना पसंद आए, कोई बात नहीं है, इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है। खैर, अगर आपको मालूमात नहीं हो तो मालूमात करिए, थोड़ा जानकारी बढ़ाइए सऊदी के लिए कि सऊदी में कितनी टाइम तक होटल खुला रहता है। और आप काम करना चाहते हैं काम करिए, और जिसको काम करना है वो खुला है नहीं खुला वो थोड़ी देखना, वो तो काम करेगा ना जो कमाने के लिए आया है। अब जो रूम पे एसी की मजा लेने के लिए आया वो तो लेगा ना, वो तो ऐसे ही कमेंट करेगा। ये बात आपकी सही है। तो और एक बात आपसे पूछनी है कि आप बता सकते हैं कि आप दिन में कितनी डिलीवरी कर सकते हैं, कर सकते हैं जो किए हो छोड़ दो अभी कर जैसा? सकते हैं, अगर मैं दिन भर काम करूं तो 25 डिलीवरी में कोई दो राय नहीं, अगर काम करूं तो। अच्छा, तो कितने घंटे में आप 25 डिलीवरी कर सकते हैं? 15-16 घंटे में। 15-16 घंटे में भाई जो है ये 25 डिलीवरी करने की गारंटी लेते हैं। तो हर आदमी का अपना अपना अंदाज होता है काम करने का और अपने अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे काम मैं करूँगा 25 डिलीवरी लगाऊंगा 15 घंटे में, हो सकता है हर आदमी ऐसे काम ना कर पाए, ना कर पाए। लेकिन मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि मैं 15 घंटे में 25 डिलीवरी कर सकता हूँ चाहे। ये भाई का एक्सपीरियंस है 15 घंटे में 25 डिलीवरी कर सकते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस है मैं 12 घंटे में 20 डिलीवरी कर सकता हूँ। तो सीधी सी बात हो गई है, वही बात है। काम करोगे तो काम आपको आएगा, काम नहीं करोगे तो कंपनी आपको एक एक घंटा जो है बैकलिस्ट में डाल के बिठा देती है, तो ऐसा भी होता है। तो गाइस, ये रहा अपडेट होटल का और का, ये भाई का भी चैनल है और साहिल ब्लॉग करके है, ये भी वीडियो बनाते हैं। इनका भी आप लोग इनके भी चैनल पे जाके इनकी वीडियो देख सकते हैं।
और इन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। भाई का सब कुछ बेहतर ही रहता है, हम लोग तो देखते रहते हैं वीडियो, लेकिन आप भी देखिए। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।